खबर इंडिया 7। हिटमैन रोहित शर्मा जितना इस वक्त अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी को लेकर चर्चा में हैं, उतना ही वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हैं। चर्चा का बाजार मोहाली में खेले गए मैच में रोहित के बैट से निकले उनके वनडे करियर के तीसरे दोहरे शतक के बाद शुरू हुआ है। दरअसल 13 दिसंबर को रोहित की शादी की सालगिरह थी और उसी दिन मैच भी था। इस मैच के दौरान उनकी पत्नी रितिका सचदेव भी स्टेडियम में बैठकर मैच देख रही थीं और रोहित के दोहरे शतक लगाने के बाद उनकी आंखें नम हो गई थीं। तब से ही रोहित और रितिका की लव स्टोरी की खबरें लगातार मीडिया में आनी शुरू हो गई थी। रोहित ने एक टीवी प्रेजेंटर गौरव कपूर को दिए एक इंटरव्यू में अपनी पत्नी और खुद के रिश्ते को लेकर कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। इस इंटरव्यू के दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद थी। रोहित बताते हैं कि एक शूट के दौरान वो टीम इंडिया कई खिलाड़ियों से मिलने गए थे, वहां पर युवराज सिंह और रितिका भी मौजूद थे। रोहित ने बताया कि युवराज ने मुझसे बात करने से पहले ही रोक दिया और कहा कि इसकी तरफ देखना भी मत, ये मेरी बहन है। इसके बाद उन्होंने बताया, मैंने पूरे शूट में रितिका को गुस्से में ही देखा। शूट पूरा होने के बाद डायरेक्टर ने रोहित को बताया कि सर आपका माइक ऑन नहीं था, इसलिए आपको डायलॉग्स फिर से बोलने पड़ेंगे। इसके बाद रितिका मेरे पास आती हैं और प्यार से कहती हैं कि कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। रोहित ने बताया कि हमारे बीच पहली बातचीत यही थी और इसके बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए और बाद में वो मेरी मैनेजर बन गई और उसके बाद सब कुछ चलता रहा और फिर बाद में हम दोनों ने 13 दिसंबर 2015 को शादी कर ली। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।